स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस होता है, इसके अवसर पर सभी महादलित टोलों में भी झंडोत्तोलन किया जाता है। वर्ष 2011 से बिहार सरकार ने निर्णय लिया था सभी महादलित टोले में झंडोत्तोलन किया जाएगा, वहाँ के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो होंगे उनके द्वारा। कल पूरे देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, ऐसे में राजधानी पटना में जो तैयारी है वो जोरों शोरों पर चल रही है। जी हाँ, स्वतंत्रता दिवस को लेकर गांधी मैदान में भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 98 मजिस्ट्रेट के साथ पूरे बिहार से पुलिसकर्मी कल गांधी मैदान में मौजूद रहेंगे, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी टाइट कर दी गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि 15 अगस्त को लेकर नया टोला मोहल्ला में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झंडा तोलन करेंगे, जिसको लेकर आज निरीक्षण करने पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने निरीक्षण किया है और तैयारियों का जायजा लिया है। जी हाँ, 15 अगस्त को महादलित टोला में मुख्यमंत्री झंडा तोलन करेंगे, जिसको लेकर आखिरी चरण में चली तैयारी का जायजा लेने जिला अधिकारी पहुंचे थे। दानापुर रेलवे स्टेशन पर विभाजन स्मृति दिवस का आयोजन किया गया है, कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो वहीं स्वतंत्रता सेनानी कॉल रेलवे द्वारा सम्मानित भी की गई है। कार्यक्रम की विभिन्न स्टेशन विभिन्न मंडलों में चल रहा, इस संबंध में दानापुर रेल मंडल प्रबंधन जयंत चौधरी ने बताया है कि यह कार्यक्रम हर साल स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले मनाई जाती है। ऐसे में डीएम जो है वो निरीक्षण करने पहुंचे थे, इस दौरान क्या कुछ कह रहे हैं डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर, वो जरा सुने आप लोग। स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस होता है, इसके अवसर पर सभी महादलित टोलों में भी झंडोत्तोलन किया जाता है। वर्ष 2011 से बिहार सरकार ने निर्णय लिया था सभी महादलित टोले में झंडोत्तोलन किया जाएगा, वहाँ के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो होंगे उनके द्वारा, और सभी पदाधिकारीगण किसी न किसी महादलित टोले में जाएंगे, सभी माननीय मंत्रीगण भी किसी न किसी महादलित टोले में जाएंगे, उनकी उपस्थिति में झंडा फहराया जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस परंपरा का निर्वहन करते हुए किसी न किसी महादलित टोले में जाते हैं। इस साल जो स्वतंत्रता दिवस 2024 है, इसके लिए हम लोग लखनी बीघा पंचायत का लखनी बीघा महादलित टोला है उसका चयन किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए, उनकी उपस्थिति में यहाँ के बुजुर्ग व्यक्ति हैं स्टूडेंट महादलित परिवार के, उनके द्वारा झंडोत्तोलन किया जाएगा, उसी तैयारी को देखने के लिए हमारे यहाँ आए। तो आपने सुना पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर ने क्या कुछ कहा है। दानापुर से रजत कुमार की रिपोर्ट।